नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी टेली मार्केटिंग सर्विसेज लाइसेंस क्या होता है, किस तरीके से मिलता है, कैसे लिया जाता है, अगर आप टेली मार्केटिंग सर्विसेज में हैं तो किस तरीके से आप उसके सारे लाइसेंस को ले सकते हैं, उसके बिजनेस करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए और कैसे रखा जाए और कैसे काम कर सकते हैं और किस तरीके से ले सकते हैं। तो आज हम उन्हीं सारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को लेके आए हैं टेली मार्केटिंग सर्विसेज को लेके। तो आइए बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि शुड वी कंट्रोल हाउ टेली मार्केटिंग कॉल्स डेवलप विद स्क्रिप्ट। क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं कि टेली मार्केटिंग कॉल्स स्क्रिप्ट के साथ कैसे कर सकते हैं? नहीं, यू कैन नॉट कंट्रोल कि हाँ जी किस तरीके से होता है ये, कैसे पर्सन जो है अदर एंड पे जो लाइन पे बैठा हुआ है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, और जो आपकी स्क्रिप्ट है वो कन्वे करने के लिए होती है तो आप उसको ऐसे नहीं कर सकते हो। अगर मैं बात करूं क्या टेली मार्केटिंग रिप्लेस कर लेती है सेल्स टीम को, देखिए टेली मार्केटिंग या टेली सेल्स जो होती है वो रेयरली मतलब रिप्लेस नहीं कर पाती है ट्रेडिशनल सेल्स पर्सन को। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जैसे कि आप एस्टेब्लिश करते हैं रैपर्ट टेली मार्केटिंग या टेली सेल्स से, ठीक है, जो कि आप वैसी कॉल से नहीं कर सकते, आप डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दे सकते टेली मार्केटिंग और टेली सेल्स में आप दे सकते हो इजिली, आप प्रोडक्ट को हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर सेलिंग की बात करी जाए, सेलिंग अपॉर्चुनिटीज और बाकी सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते बिना टेली मार्केटिंग या बिना टेली सेल्स के, आप मोर देन 1% से बात नहीं कर सकते टेली मार्केटिंग या टेली सेल्स से। अब बात करते हैं कि हाउ शुड आई प्लान माई टेली मार्केटिंग एक्टिविटीज़। अगर आप टेली मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को प्लान करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं? देखिए पहले असेस करिए कि आपका बिजनेस क्या है, फिर रेंज को असेस करिए, आप अपने टेलीफोन सेलिंग्स को असेस कर सकते हैं, आप एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ जी हाउ मच सेल्स रेवेन्यू आएगा, आपका कितना सेल्स रेवेन्यू आएगा परचेजेस के थ्रू, ठीक है। ग्रुप करें अपनी सेल्स को 3 कैटेगरी में कि आपकी एसोसिएटेड मेकिंग सेल्स कितनी है इनिशियली, आपका रिलेशनशिप क्या है, आप रिलेशनशिप कैसे बिल्ड कर रहे हो, आप बाकी सारी चीज़ें कैसे कर रहे हो। डिसाइड करें कि हाँ जी रिड्यूस करें अपनी साइज ऑफ डायरेक्ट सेल्स फोर्स को, आप अपने परचेजेस को रिपीट करें, कोशिश ये करें उसी से आपकी टेली मार्केटिंग सेल्स की एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, आप डायरेक्ट सेल्स को फोर्स करें। क्या आप टेली मार्केटिंग को एक तरीके से एज एन एजेंसी यूज़ कर सकते हैं या कर सकते हैं? यस, आप आउटसाइड एजेंसी के तौर पे भी टेली मार्केटिंग की एजेंसी को रन कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ वर्क होना चाहिए, कॉस्ट आपकी डाउन होनी चाहिए, स्किल्स आपके साथ होनी चाहिए। अगर एक स्किल्ड एजेंसी है तो वो एक तरीके से काम कर सकती है टेलीफोन से और बाकी सारी चीज़ों से। व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी इन टेली मार्केटिंग जॉब? देखिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन को टेली मार्केटिंग जॉब में थोड़ी प्रायोरिटी देनी चाहिए, डिसेप्टिव टेली मार्केटिंग अवॉइड होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अब बात करते हैं कि हाँ जी टेली मार्केटिंग होता क्या है। एक तरीके से इनसाइड सेल्स और टेली सेल्स का प्रोसेस होता है जिसमें आप मार्केटिंग करते हैं गुड्स और सर्विसेज की कस्टमर्स और बिजनेस के थ्रू, और कस्टमर्स और बिजनेस को एक साथ लाते हैं टेलीफोन क्वालिटी कॉन्टैक्ट सॉल्यूशंस के थ्रू, कंपनी यूटिलाइज करती है कस्टमर्स के बिहाफ पे, और ये सारी चीज़ें टेली मार्केटिंग कहलाते हैं। डिफरेंस होता है इनबाउंड कॉल सेंटर में और आउटबाउंड सेंटर में, वो मोस्टली सब लोगों को पता है तो मैं वो यहाँ नहीं लूँगा। अब बात करते हैं कि हाँ जी आई एम नर्वस अबाउट ऑल टेली मार्केटिंग रेगुलेशंस। आप टेली मार्केटिंग रेगुलेशंस को लेके थोड़ा नर्वस हैं क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब आप शुरू करते हैं तो आपको कोई चीज़ नहीं पता होती है और आप चाहते हैं कि हाँ जी आपको टेली मार्केटिंग कंप्लायंस के बारे में पता चल जाए, कंप्लायंस ऑडिट्स क्या होते हैं उसमें नॉलेज होनी चाहिए आपको, आउटबाउंड बाउंड्रीज जो TCPA और TSR की होती है वो होनी चाहिए, CECP होना चाहिए एक तरीके से, कस्टमर एंगेजमेंट कंप्लायंस प्रोफेशनल होना चाहिए जो कि पूरी रेगुलेशंस को देखे। टेली मार्केटिंग बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो सकता है, जैसे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ जी टारगेट कंपनीज क्या है, आप अपॉइंटमेंट सेल पर्सन कर सकते हैं, आप एक तरीके से फॉलो अप कर सकते हैं मार्केटिंग कैंपेन्स को, आप रिसर्च कर सकते हो, सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें। व्हाट विल ए टेली मार्केटिंग कैंपेन कॉस्ट? बहुत सारे कैंपेन्स अलग तरीके से कॉस्ट होते हैं, इसमें मैं कोई गणना नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारे अलग अलग तरीके की अलग अलग टेली मार्केटिंग होती है। हाउ डू वी नो कि हाँ जी कॉन्टैक्ट कैसे करें टेली मार्केटिंग कैंपेन को, या पॉज करके देख सकते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। बट बेसिक एम जो है वो ये है कि हाँ जी आप टेली मार्केटिंग का लाइसेंस कैसे लें, किस तरीके से लें, तो आप टेली मार्केटिंग का लाइसेंस नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं, कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, उसी से ही टेली मार्केटिंग लाइसेंस के बारे में आप पता कर सकते हैं। हम आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी टेली मार्केटिंग लाइसेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था टेली मार्केटिंग की छोटी सी सर्विसेज का फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन वीडियो। हो मैं और भी वीडियोस आपके समक्ष लाता रहूँगा, देता रहूँगा। आपने बस एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि हाँ जी टेली मार्केटिंग रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है लाइसेंस से रिलेटेड तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर में। थैंक यू सो मच।
दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।